किताब किताब की मुसनिफा और एक बार एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की सदर खुद डॉक्टर तबस्सुम नाटकर साहबा से गुजारिश करता हूँ कि आए और हमसे मुखातिब हों। माजी के हजार वर्क गिरे ला कांदिया उठे, हजार वर्क गिरे ला कांदिया उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें डॉक्टर तबस्सुम नाटकर साहबा का। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरी दावत पर आपने रवैया कहा और यहाँ पर तशरीफ लाए। और मेरे एक बुलावे पर कई मेहमान तो ऐसे हैं जैसे आप हैं खलीफुज़्ज़मा साहब, जो आप यहाँ तशरीफ लाए, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारा सिर्फ ताल्लुक फेसबुक तक था, मैंने आपको सिर्फ फेसबुक तक ही देखा था। आज रूबरू आपसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ और तमाम मेहमानान जो है मेरे लिए बहुत ही अजीज है। किसी एक का नाम लेकर मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, तो सारे मेहमान मेरे लिए बहुत ही अजीज हैं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ मेरे बुलाने पर तशरीफ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रही मेरी किताब की बात, तो किताब पर तो दूसरे लोग कहते हैं, मैं क्या कहूँ। आपको पढ़ना है, आपको लोग मुझसे कहना है कि आपने यहाँ गलती की है, आपने ये गलत लिखा है। मैं इसके ऊपर कुछ कहूँ, मतलब मैं अपनी तारीफ खुद करूँ, इसके लिए मैं किताब पर कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूँगी और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब बैठे हैं पीछे, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरी बेटी, मेरे दामाद, मेरे शौहर, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। अगर आपके शौहर आपको घर से बाहर निकलने की इजाज़त ना देते तो शायद मैं इस मकाम तक कभी ना पहुँचती। जब से मेरे वालिद वालिदा, मेरे खानदान में सभी टीचर हैं, मेरे ददियाल में भी, मेरे ननिहाल में भी सभी टीचर हैं, लेकिन मेरा वक्त ऐसा था कि मेरी शादी 16 साल की उम्र में हो गई, 10वीं पास की मैंने और मेरी शादी हो गई। अब शादी के बाद हर कोई जानता है ससुराल तो ससुराल ही होता है, फिर वो अच्छा हो बुरा हो ससुराल ही है, जो भी है बस एडजस्ट करना होता है और अपने ख्वाबों को दबाना पड़ता है, उसको थपक के सुलाना पड़ता है, तब जाके आपकी जिंदगी एक अच्छी, जो हम रेल की पटरी बोलते हैं ना, सीधे चल सकती है। मैंने अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उनकी अच्छी तालीम व तरबियत की, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने खड़े हैं। अभी पोती ने पढ़ा, मेरी जो तिलावत की वो पोती थी, जो नात पढ़ी वो मेरी नवासी थी, तो मैं बच्चों को भी आगे लाना चाह रही हूँ कि वो भी आए आगे, आगे चलकर उन्हीं को संभालना है सब कुछ। मैं ये कब तक संभाल सकती हूँ? तो बच्चे मेरे साथ हैं और मेरा पहला फर्ज मेरा घर था, मेरे शौहर थे, मेरे बच्चे, उनकी तरबियत। जब उससे मैं फारिग हुई तब मैंने वापस कलम उठाया और तब से जो लिख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उसने मुझे सारी चीजों से नवाजा। उसी ने मुझे हिम्मत दी, उसी ने मुझे हौसला दिया, उसी ने मेरे लिए राहें खोली और मैं यहाँ तक पहुंची। अल्लाह का करम, मेरे शौहर का साथ, मेरे बच्चों का, मेरी बहुओं का, मेरी बेटी का, मेरे दामाद का, मेरी पूरी फैमिली का साथ मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। वो साथ ना होते तो शायद मैं कुछ ना कर पाती। आज बड़ी बड़ी बहू, छोटी बहू घर संभालते हैं, घर के लिए बाहर निकलती, तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है। और शमशी अंकल जो मेरे सरपरस्त हैं, उनके बिना मेरा कोई भी प्रोग्राम कभी भी नहीं हुआ और ना आगे कभी होगा। मेरे वालिद की हैसियत से वो कोकन में मेरे अब्बा के साथ वो थे, मेरे अब्बा को बहुत अच्छे से जानते थे वो और उनके दोस्त भी रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी सरपरस्ती में ही हमेशा प्रोग्राम करती रहूँगी। फिर वो
कभी हाजिर होंगे शायद कभी ना होंगे, फिर भी नाम हमेशा उनका सरपरस्ती में रहेगा। अब मेरी वालिदा आने वाली थी लेकिन वो कान से थोड़ा सुन नहीं सकती, तो उनको शर्म आ रही थी कि मैं कैसे आऊँ, सब लोग बोलेंगे क्या करेंगे, मुझे शर्म आएगी, ये वो बहुत कुछ था, तो इसके लिए मैं उनको नहीं ला पाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग सब यहाँ आए और इस महफिल की आप लोगों की वजह से रौनक बनी है। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर दे, इसी तरह आप हमारे साथ रहें ताकि मैं इसी तरह काम करती रहूं और लिखती भी रहूं। जैसे अभी फरीद भाई ने कहा कि मेरे मजामीन मेरे आर्टिकल्स मेरे अफसाने इस तरह के होते हैं कि मैं किरदारों को कभी भी वो नहीं करती। मैं कहीं जाती हूँ, कहीं मिलती हूँ, मुझे लोग मिलते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं, अपनी चीजें सुनाते हैं, मैं उस पर अफसाना लिखती हूँ। मैंने एक जुमले पर एक अफसाना लिखा था, ये आंख क्यों भर आई। वो एक जुमला क्या था, मैं रमजान के महीने में कुछ मीटिंग थी, हालांकि मैं रमजान में कभी बाहर नहीं निकलती हूँ, लेकिन उस वक्त कुछ जरूरी था और मैं बाहर निकली थी, तरावी वगैरह सब पढ़ के हम लोग निकले थे और एक रेस्टोरेंट में हमको मिलना था, और उस बच्चे ने, एक बच्चा था जो गुब्बारे बेच रहा था, तो मैं बोली भाई बेटा मैं ये लेके अब क्या करूंगी, ये मैं होटल जा रही हूँ और ये तुम्हारे गुब्बारे लेकर मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि आप लेंगी तो मैं सहरी का इंतजाम करूंगा, उसने ये जुमला कहा था। लेकिन मैंने उस जुमले को तब्दील करके ये किया कि इफ्तारी का इंतजाम करूंगा, और उसी की मैंने कहानी एक जुमले पर लिखी, वो अफसाना मैंने बुना, क्योंकि अफसाने जो है लिखे नहीं जाते, बुने जाते हैं। तो और उसको बुनने में वक्त लगता है, आपके किरदार जो भी है वो आपके जहन में गर्दिश करते हैं। एक अफसाना अब मेरे जहन में जो गर्दिश कर रहा है उसका उन्वान है 10 लाख। अब वो अफसाना क्या होगा आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं लिखूंगी तब आप उसको पढ़िएगा। वो एक ऐसी स्टोरी है, जब मैं कश्मीर के एयरपोर्ट पर बैठी थी तो वहाँ एक लड़का लड़की आए थे, मतलब उनकी फैमिली भी थी, तो उनकी कुछ बातें सुनकर मेरे जहन में वो आया है कि 10 लाख उसको टाइटल दिया जाए और वो अफसाना लिखा जाए, और इंशाल्लाह मैं लिखूंगी उसको। मैं अपनी बात इतना ही करके खत्म करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर जो है मैं पढ़ती हूँ। एक दौर था गुलशन में तन्हा थी तबस्सुम भी, एक दौर था गुलशन में तन्हा थी तबस्सुम भी, हमरा तबस्सुम के अब सारा जमाना है। वाँ। वाँ।